आकस में है नारस में है। अपने जमाने के हिट एक्टर्स में से एक मनोज कुमार। मनोज कुमार की एक्टिंग और उनका सबसे अलग स्टाइल ही था, जिसकी वजह से उनके फैंस उन्हें पसंद करते थे। ज्यादातर फिल्मों में उनका नाम भारत होने की वजह से उन्हें भारत कुमार भी कहा जाता था। वहीं उनके बचपन का नाम हरिशंकर गिरी गोस्वामी है। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि आज ये कहाँ और किस हाल में हैं। मनोज कुमार असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी का जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था। जब वो महज 10 वर्ष के थे तब उनका पूरा परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आकर बस गया था। बचपन के दिनों में मनोज कुमार ने दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म शबनम देखी थी। फिल्म में दिलीप कुमार के निभाए किरदार से मनोज कुमार इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने भी फिल्म अभिनेता बनने का फैसला कर लिया। मनोज कुमार ने अपनी स्नातक की शिक्षा दिल्ली के मशहूर हिंदू कॉलेज से पूरी की। इसके बाद बतौर अभिनेता बनने का सपना लेकर वो मुंबई आ गए। बतौर अभिनेता मनोज कुमार ने अपने सीने करियर की शुरुआत वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म फैशन से की। फिल्म में मनोज कुमार ने छोटी सी भूमिका निभाई थी। वर्ष 1957 से 1962 तक मनोज कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म फैशन के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वो उसे स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने कांच की गुड़िया, रेशमी रुमाल, सहारा, पंचायत, सुहाग, सिंदूर, हनीमून, पिया मिलन की आस जैसी कई बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश में किसान और जवान की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया और मनोज कुमार से इस पर फिल्म बनाने की पेशकश की। बाद में मनोज कुमार ने फिल्म उपकार का निर्माण किया। वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म उपकार में मनोज कुमार ने किसान की भूमिका के साथ ही जवान की भूमिका में भी दिखाई दिए। फिल्म में उनके चरित्र का नाम भारत था। बाद में इसी से वो फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गए। वर्ष 1970 में मनोज कुमार के निर्माण और निर्देशन में बनी एक और सुपरहिट फिल्म पूरब और पश्चिम प्रदर्शित हुई। फिल्म के जरिए मनोज कुमार ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो दौलत के लालच में अपने देश की मिट्टी को छोड़कर पश्चिम में पलायन करने को मजबूर है। वर्ष 1972 में मनोज कुमार के सीने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म शोर प्रदर्शित हुई। वर्ष 1974 में प्रदर्शित फिल्म रोटी कपड़ा और मकान मनोज कुमार के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म के जरिए मनोज कुमार ने समाज की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट के साथ ही आम आदमी की जिंदगी में जरूरी रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे को उठाया। मनोज कुमार अपने सीने करियर में 7 फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इन सब के साथ ही फिल्म के क्षेत्र में मनोज कुमार के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2008 में स्टार स्क्रीन लाइमलाइट अचीवमेंट पुरस्कार और वर्ष 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर बात करें इनके आज की तो आपको बता दें ये 85 साल के हो चुके हैं और पहले के मुताबिक काफी बूढ़े नजर आते हैं, जो अब ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं। उन्हें कई बार व्हीलचेयर के साथ अवार्ड शो में भी देखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।